हेलो एवरी वन रॉय फ्रॉम स्टूडियो नाइन तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि बेसिक म्यूजिक थ्योरी कितना म्यूजिक थ्योरी जानना जरूरी है म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए uh, ये जो एपिसोड है इसमें हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे टाइम सिग्नेचर में एंड टेम्पो में सो इफ यू आर स्टार्टिंग म्यूजिक प्रोडक्शन एंड यू नीड टू नो अ म्यूजिक थ्योरी इन अ ब्रीफ डेफिनेटली डू वॉच लेट्स गेट स्टार्ट म्यूजिक थियोरी अगर शुरू करना है कहीं से तो वो है ताल और ताल के पहले भी जो आता है दैट इज कॉल्ड टेम्पो यानी कि गाना कितना फास्ट है या कितना स्लो है तो वो मापा जाता है बीट्स पर मिनट में मतलब एक मिनट में कितने नंबर ऑफ़ बीट्स हैं अब ये बीट्स क्या है उसमें मैं आता हूँ लेकिन अभी के लिए मैं बताता हूँ एक ब्रीफली कि बीट है एक मेजर ऑफ टाइम जिसको हम यूनिट मानते हैं जैसे हम लोगों के पास होता है ना कि सेंटीमीटर मिलीमीटर मीटर किलोमीटर तो एक किलोमीटर इक्स टू वन थाउजेंड मीटर तो ये जो मीटर है ये है हम लोगों के पास यूनिट तो अगर मैं एक हज़ार मीटर एक के बाद एक सजा सजा दूँ तो वो एक किलोमीटर हो जाएगा ऐसे ही है मेरे पास बीट्स बेट्स एक टाइम का मेजर है उसको अगर मैं एक मिनट में कितनी बार बजा रहा हूँ उसके हिसाब से ठीक होता है कि गाना कितना फास्ट है और कितना स्लो है आप यहाँ से देख लीजिए कि अगर मैं 60 बी करता हूँ सपोज 60 बीपीएम 60 बीपीएम का मतलब है कि एक मिनट में हम लोगों के पास 60 बेट्स हैं अगर एक मिनट में सिक्सटी बीट्स है और सिक्सटी सेकेंड भी है तो एक बीट इक्व टू वन सेकेंड राइट तो आप देखिए वो ऐसा ही होगा मैं मेट्रोनम ऑन करता हूं बिल्कुल एक सेकेंड है टू, थ्री टू, थ्री फोर। तो अगर मैं इसको डबल कर दूँ, वन ट्वेंटी बीपीएम कर दूं तो हाफ सेकेंड इक्व टू वन बीट हो जाएगा सपोज़ इसको 120 कर दिया, अभी देखिए आधा एक बीट हो जाएगा, उसका डबल। तो टेम्पो टैपिंग का एक ऑप्शन है कोई भी गाने का टेम्पो अगर आपको पता लगाना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं राइट क्लिक राइट क्लिक करके यहाँ पे आपका कहाँ गया ये टैप का ऑप्शन है तो यहाँ पे आप टैप करके कोई भी गाने का जो टेम्पो है निकाल सकते हो वॉन् थ्री फोर इसके साथ गाने का जो बीट है उस बीट बीट पे आपको बस उसको स्टैप करना है तो आप निकाल सकते हो उसको तो ये हो गया मेरे पास टेम्पो अभी टेम्पो के अलावा भी और एक चीज़ है वो है टाइम सिग्नेचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके पहले मैं टाइम सिग्नेचर में जाऊँ मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा डेफिनेटली एक तो यही है कि अगर आप मेरे चैनल में नया हैं डेफिनेटली कॉन्सिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज एवरी वीक वी अपलोड अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स रिगार्डिंग एफ एल स्टूडियो क्यूबेस पर्सनल स्टूडियो वन एंड ऑल्सो इन म्यूजिक प्रोडक्शन मिक्सिंग एंड मास्टरिंग टिप्स सो डेफिनेटली कॉन्सिडर सब्सक्राइबिंग और दूसरा चीज यही है कि अगर आप म्यूजिक थ्योरी वाकई में जानना चाहते हैं बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड लर्न समथिंग लर्न अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट वायलिन गिटार कीबोर्ड वॉट एवर ड्राम्स इफ यू वॉन्ट टू लर्न वोकल म्यूजिक फाइन

वो जनरली हम ऐसे लिखते हैं कि फोर फोर थ्री फोर तो ये जो फोर फोर है इसको अगर मैं देखूं कि व्हाट इज दिस व्हाट इज़ दिस फोर फोर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको एक यूनिक वे से कि वो फोर बाई फोर जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वन बाई फोर इंटू फोर है ना सिंपल मैथमेटिक्स है वन बाई फोर इंटू फोर ये वन बाई फोर जो है वो मेरे पास एक बीट है एक बीट को मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो वन बाई फोर्थ नोट है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं अगर आप म्यूजिकल नोटेशन कभी देखे होंगे ना ये जो क्वार्टर नोट है क्वार्टर नोट को हम ऐसे लिखते हैं एक बीट बोला जाता है यहां पे देखिए बीट्स इक्वल्स टू वन वन बीट्स लिखा गया है इसको ये जो नोट है इसका ड्यूरेशन है एक बीट तो इसका मतलब क्या है कि वन बाई फोर्थ जो नोट है मतलब जो बीट है चार ऐसे बीट लेके अगर मैं कोई ग्रुप बनाता हूं तो वो हो गया फोर बाई फोर मतलब उसका काउंटिंग क्या होगा वन टू थ्री फोर वन फोर के बाद फिर से वन क्योंकि चार बीट्स लेके मैं एक ग्रुप बना रहा हूं वो ग्रुप को क्या बोला जाता है उस ग्रुप को बोला जाता है बार बार तो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर एक बार दो बार तीन बार ऐसा करते चलता जाएगा तो वैसे ही मैं तीन बीट लेके अगर मैं ग्रुप बनाता हूं तो उसको बोलता है थ्री बाई फोर उसके टाइम उसके टाइम काउंटिंग क्या होगा वा टू थ्री वा टू थ्री अभी देखिए मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि ऑप्शंस में जाइए फिर प्रोजेक्ट जनरल सेटिंग्स में जाइए यहाँ पे देखिए सेटस टाइम सिग्नेचर है तो ये पहले टाइम डिवीजन हुआ करता था एफ स्टूडियो में अभी ये सेटस टाइम सिग्नेचर हो गया है तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब जो ऊपर नीचे है एक फ्रैक्शन के वो दिया हुआ है तो इस केस में क्या होगा कि फोर बाई होगा तो फोर बाई में जो जनरली जो रिदम होता है मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल आपको देखे दिखा रहा हूं कि वो ऐसा होता है है ये हेड जो ये जनरली वो बीट जो है उसके आधा से पड़ रहा है मतलब वो बीट जो है वन बाई फोर्थ जो नोट है ये यहाँ तक ड्यूरेशन है ये चार जो नोट है ये वन बीट में है लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि वो जो बीट्स हैं ना उसको भी मैं चार भाग में और मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको मतलब ये एक्चुअली वन नोट है ये ईच ऑफ देम तो नोट एक बार में चार मेरे पास बीट्स हैं एक दो तीन चार और सिक्सटीन कि, नोट कितना हो गया सोलह है क्योंकि एक एक बीट को मैंने चार मल्टी मतलब सिक्सटीन नोट में डिवाइड किया है तो यहां पे ना मैं क्या कर सकता हूं कि डिफरेंट डिफरेंट नोट्स के ऊपर एक्सेंट देके मैं डिफरेंट डिफरेंट रिदम सिंकोपेशन क्रिएट कर सकता हूँ तो हुँ। यहाँ पे मैं शफ़ल क्रिएट कर सकता हूँ शफ़ल जो है वो अभी इसमें बताना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा अभी मैं नहीं बता रहा हूँ उसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा और सिंकोपेशन आपको दिखा रहा हूँ ये सारे फोर फोर के ही वेरिएशन हो रहा है सारा जो है वन टू थ्री फोर काउंट में जाएगा अभी मैं उसको अगर थ्री फोर करना चाहूँ तो क्या होगा वन टू थ्री वन टू थ्री काउंट रहेगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा प्रोजेक्ट जनरल सेटिंग में जाके ये जो ऊपर का जो है इसको मैं तीन कर देता हूँ तो अभी देखिए क्या होता है <coughs> अगर मैं तीन कर देता हूं ना तो मेरा जो ये है ये घट के देखिए क्या हो गया ये घट के देखिए मेरे पास वन सिक्सटींथ नोट जो है वो अभी बारह हो गया क्योंकि बेड्स जो है वो तीन में मैं ग्रुप कर रहा हूं वन टू थ्री वन टू थ्री तो इसमें क्या हो रहा है कि ये मेरे पास ऐसे इसका रिदम आ रहा है two, थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचे तो ये जो गाने हैं ना ये थ्री फोर में है हाँ जैसे कि बहुत सारे गाने आपको मिल जाएंगे ज़्यादातर जो गाने होते हैं वो आ, फोर बाई फोर में होते हैं डिफरेंट डिफरेंट से में और जो ये गाने हैं ये थ्री बाई फोर में हैं तो ऐसा करके आप समझ सकते हैं कि कैसे जो बेसिक जो टाइम सिग्नेचर हैं वो कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं ऐसे भी और भी टाइम सिग्नेचर्स हैं अगर थ्री बाई फोर हैं इसको फाइव बाई फोर भी है तो इंडियन जो म्यूज़िक सिस्टम है वहाँ पे फ़ोर बाई फोर को काहरबा बोला जाता है तब तबले का जो ताल होता है थ्री बाई फोर को दादरा बोला जाता है धा धिना न वो जो होता है वो डबल एक्चुअली होता है स्पीड आ, धा धिन्ना ना धा धिना ना तिन ना धा धिन्ना ना ना फाइव बाई फोर जो होता है वो दस मात्रा का जो जो ताल होता है उसके साथ मैं इक्वेट कर सकता हूँ कि धीना ना धी धीना तीना धी धीना धीना धी धीना ना तीना धी धीना दी, ना ये जो है ये दस मात्रा है झाँप ताल है सेवन बाई फोर है जो कि रूपक ताल है ति तीन धीना धी नीन न धी दिन न तीन न तीन न ति तीन हाँ तो उसका जो डबल है फोर्टीन मात्रा वो भी है दीपचंदी बोला जाता है उसको तो बहुत सारे गाने हैं उसमें वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अगर आपके पास फाइव बाई फोर चाहिए आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं तो आपके पास ये पाँच हो जाएगा अभी देखिए वन टू थ्री फोर फाइव तो ये जनरली धीना धी धीना ऐसा करके ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है तो ये एक्चुअली जॉनर के साथ बिल्कुल नहीं जा रहा है कि क्योंकि वो ज़्यादातर का क्लासिकल में ही यूज़ होता है वो जो धीना धीना दी है पांच मात्रा है तो ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिया कैसे आपका जो टाइम सिग्नेचर है वो आप देखेंगे अभी आपके पास जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप इसके बाद से जो भी गाना सुनेंगे उसका जो टाइम सिग्नेचर है आपको पता करना पड़ेगा और इसके जो बेट है उसके हिसाब से आपको काउंट करना पड़ेगा कि वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ये इज़ द दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी म्यूजिशियन ओके okay, तो ता, ताल जो है इसमें आपको मस्टर करना पड़ेगा आपका जो ये सब कॉन्शियस है वहां पे हमेशा ये जो काउंटिंग है ये हमेशा चलते रहना चाहिए कभी बाहर नहीं जाना चाहिए तो दैट्स इट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल सी अबाउट मेलोडी कीज ओके तो अंटिल देन बाय फॉर नाउ एंड डेफिनेटली अगर आपको ये अच्छा लगता है सब्सक्राइब और कमेंट करके आप जनइए पता आप मुझे बताइए कि आपको और कौन से कौन से ऐसे ट्यूटोरियल्स देखना है और डेफिनेटली इफ यू वांट टू हैव अ मच एडवांस्ड और ऑनलाइन क्लासेस यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू फेसबुक टिल देन टिल द नेक्स्ट ट्यूटोरियल बाय